हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ वैष्णवी और आपका स्वागत है आपके अपने रेसिपी क्रिएशन हिंदी में। आम का सीज़न आते ही सबसे पहले हम अचार बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरह से बनाएं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आंध्रा स्टाइल आम के अचार की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ना धूप की ज़रूरत, ना ज़्यादा मसालों की ज़रूरत और एकदम झटपट बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। आंध्रा के फेमस मैंगो पिकले आम का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कच्चे आम लिए हैं। आप यहाँ पर कौन से भी कच्चे आम का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे पानी से क्लीन करेंगे और इस तरह से बारीक बारीक शेप में काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे काट लिया है। आप आपके पसंद के अनुसार कम ज़्यादा बड़े पीसेस कर सकते हैं। अब हम इसके लिए मसाले बनाएंगे। तो गैस पर मैंने एक पैन रखा है। जैसे ही हमारा पैन हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1 चम्मच के करीब मेथी ऐड करेंगे। मेथी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 5 चम्मच के करीब सरसों। जितनी क्वांटिटी में हमने मेथी ऐड की है, उससे हमें 5 गुना सरसों ऐड करना है। अब हम इन दोनों को भी अच्छे से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 1 से 2 मिनट भी हो चुके हैं और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है और मसाले से बढ़िया सी खुशबू भी आने लगी है। इस स्टेज पर हम गैस को बंद करेंगे और इसे एक साफ़ सुथरे मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और इसे एकदम दरदरा पीस लेंगे। अब हम इस बाउल में पीसे हुए सारे मसाले ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 4 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब गुल। गुल को मैंने अच्छे से कद्दूकस करके लिया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर गुड़ की खांड का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर गुल की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इन सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एकदम प्रॉपरली मिला लिया है। साइड में मैंने गैस पर एक पैन रखा है, उसमें हम ऐड करेंगे लगभग 1 कप के करीब ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 चम्मच के करीब सरसों। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1/2 कप के करीब लहसुन की कलियां। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 सूखी हुई लाल मिर्च। इसका तड़का लगाना है आपको अचार में। लहसुन और सरसों को हमें तेल में ही अच्छे से फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे मसाले एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे अचार में मिला लेंगे। अब हम इन सारे मसालों को एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एकदम प्रॉपरली मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पर हम इसको कवर करेंगे और लगभग 1 से 2 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 घंटे के लिए रखा था। तो आप देख सकते हैं हमारा अचार एकदम अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है और इसने साइड से कैसे ऑयल भी छोड़ा है आप देख सकते हैं। तो है ना इसे बनाना आसान, बस मेथी और सरसों को भूनना है, उसके बाद इसे तेल गरम करके मिला देना है। इससे आसान अचार की रेसिपी और क्या होगी। सो गाइस, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही रेसिपी क्रिएशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।